कच्चे प्याज खाइए खाने के साथ। कच्चे प्याज से उबाए अमराज बहुत कम होते हैं। अदरक आप चाय पीते हैं तो अदरक कूट कर जो है वो चाय मिलाइए और चाय बना पीजिए। आप जो कुछ खाते हैं चबा खाइए, आप वक्त पर खाना खाइए, सुबह नाश्ते के बाद रात में। एक काम कीजिए, मैं आपके लिए नुस्खा बताता हूँ कुछ कीजिए। 75-75% हमारी डॉक्टरी दवाओं से पैदा होती है। नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तकबाल है फ़िक्र ख़बर के साथ एक मुलाकात में, और आज हम मौजूद हैं भटकल के कदीम मोहल्ले फ़ारूक़ी मोहल्ले में एक ऐसी शख्सियत के जाद जो पिछले 60 सालों से मेडिकल में, ख़ास तौर पर होम्योपैथिक मेडिकल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और एक कई अरसों से लोगों के इलाज व मालजा करके उनकी अहम ज़रूरत की तकमील कर रहे हैं। मेरी मुराद भटकल के बहुत ही मशहूर, मकबूल, मारूफ और बहुत ही लोगों के अंदर जानी पहचानी शख्सियत हकीम डॉक्टर अब्दुल्ला हकीम साहब से है। हम उनके कदीम जो क्लिनिक है वहाँ उनके साथ मौजूद हैं, और इस वक्त कोरोना वबा की वजह से लोगों में जो डर है, जो वहशत है, और ख़ास तौर पर बड़े बूढ़ों के अंदर, बड़ी उम्र के मुअम्मर लोगों के अंदर जो डर है, और उसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आइए नाज़रीन, आज उसी सिलसिले में हम बहुत ही हकीम, मुस्तनद, तजुर्बेकार और एक ज़माने से और कई दहाइयों से अपनी खिदमात इस फील्ड के अंदर अंजाम देने वाले हकीम साहब से हम आपको रूबरू करेंगे, उनसे कुछ सवालात पूछेंगे। तारुफ के सिलसिले में मैं इतना ये अर्ज़ करता चलूं कि इनके बड़े भाई हकीम मोहम्मद हाजी, ये भी बड़े हकीम थे, जिसको उर्फ आम में रक्काज हकीम साहब कहा करते थे। जहाँ तक हकीम अब्दुल्ला साहब का ताल्लुक है, 1956 से 1960 तक निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से उन्होंने तबीब मुस्तनद की डिग्री हासिल की। इब्तदाई तालीम हकीम साहब की मैंगलोर में हुई थी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला हम सवाल ये पूछना चाहेंगे, जो डर है लोगों में, क्या ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है, मोहलिक है, कि डर की वजह से लोग इलाज नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं आ रहे, हद दर्जा खौफ है, क्या है हकीकत इसकी? एलोपैथिक दवा जिसको कॉर्पोरल करते हैं, ये बीमारी को दवा देती है, उसको उसका इलाज नहीं, उसका फौरी आराम होता ज़रूर होता है, लेकिन उससे बीमारी अंदर जाती है और बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद से कौत मुदाफ़त कम हो जाती है, कोमना कम हो जाने से बीमारी हमले खतरा ज्यादा रहता है। अब आप एलोपैथिक दवाएँ बिल्कुल कम खाइए, जरूरत एक ही बार खाइए, दोबारा दोबारा बार बार मत खाइए। बच्चों को वो एलोपैथिक दवा कॉर्पोरल वाला मत खिलाइए, एक बार आप खुदा ना खासा खाएँ खिलाए तो दोबारा उसको मत खिलाइए। दोबारा खिलाने से उसका कौत मुदाफ़त कम हो जाती है और बीमारी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसान तो जल्दबाज है, अच्छा जल्द से अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा अच्छा होने की वजह और बीमारियाँ बढ़ जाती है। अब हम हर जगह जो एलोपैथिक दवाई कॉर्पोरल है, आली दवाई है, पैरास्टामोल है, पैरास्टामोल दवाई है, ये बीमारी को ख़त्म नहीं करती, बीमारी दवा देती है, उससे बीमारी अच्छी नहीं होती। अब उससे परहेज कीजिए, एलोपैथिक दवा खुदा खुद एक बार खाएँ तो खाएँ, दोबारा मत खाइए। तो आपके एतबार से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? कुछ भी डरने, कोई मामूली बीमारी है, ये बिल्कुल मामूली बीमारी है, इसमें सर्दी जुकाम हमेशा होता ही है, उसमें कोई डर नहीं मानते। तो क्या सर्दी जुकाम इसके सिम्टम नहीं है आपके नज़दीक? सर्दी जुकाम सिस्टम में क्या और क्या सिस्टम लोग, या बहुत सांस की तकलीफ होने के बाद इसका सिम्टम माना जाए? आप ये समझिए, जब सर्दी हो जाती है तब उसके इलाज नहीं होता तो सर्दी फेफड़ में निकल जाती है, तो सांस तंग हो जाती है, उससे मौत का खतरा होता है। आप सर्दी के इलाज कीजिए, आप बगैर इलाज के भी, बगैर दवा के भी जो है गर्म पानी में ओढ़ के सो जाइए, आपकी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। आप क्यों एलोपैथिक दवा खा कर हम अपने आप कमजोर बना रहे हैं? एलोपैथिक दवाई खा के मत मान लिए, आपको सर्दी हो रही है, ठंड लग रही है, तो गर्म पानी फेंक के ओढ़ के सो जाए, आपको पसीना आ जाएगा, बुखार कम हो जाएगा। आप क्यों खाम खा इसके पीछे मैंने पड़ता है? तो आपके एतबार से सर्दी, बुखार, जुकाम या इस तरह इसके इलाज, घरेलू इलाज क्या हो सकते हैं मुख्तसरन, जो हर आदमी कर सके घर? मैंने आपको पहले बता दिया, आपको बुखार आ जाए तो गर्म पानी भेजिए, ओढ़ के सो जाइए, अब पसीना आएगा, बुखार उतर जाएगी, या फिर होम्योपैथी का इलाज कीजिए, या फिर मैं बाहर लिखा हूँ कच्चे प्याज खाइए खाने के साथ। कच्चे प्याज से उबाए अमराज बहुत कम होते हैं। तो ये जुकाम सर्दी का भी यही इलाज है? बेहतरीन इलाज वही है। आप अदरक इस्तेमाल कीजिए, अदरक आप चाय पीते हैं तो अदरक कूट कर जो है वो चाय मिलाइए और चाय बना पीजिए, बहुत अच्छी चीज़ अदरक है। या फिर कच्चे प्याज खाइए आप खाना खाने के साथ। आप उबाए अमराज के लिए आप भी जानते होंगे,
और भाई अनाज के लिए सबसे अच्छे अच्छी चीज़ जो है कच्ची प्याज है। कच्चे प्याज खाना खाने के साथ खाइए, आपको बीमारी नहीं होगी। मैंने कहने का बताई भाई, और फोन तारीफ की उसमें क्या बताया, मामूली बात है। अब ये तो होटल में आने के बाद खाने के बाद कच्ची प्याज पहले पेश करते हैं हम लोग को खाते हैं जोड़े से, सबसे अच्छे सारा कच्ची प्याज। कच्ची प्याज आप खाइए, बीमारी ज़्यादा से कम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी नफ्सशनासी बड़ी मशहूर है कि आप हाथ देखते ही पहचान लेते हैं, तो क्या ये कोई सीखा हुआ फन है या वहाँ भी फन है? नहीं नहीं, ये तो हम टिप्पणी करें, पर तो हमें नफ्स नफ्स देखा करते हैं, एक से एक दूसरे बच्चों को स्टूडेंट में एक दूसरे नफ्स देखा करते थे हम लोग, तो उससे हमें कुछ अंदाजा होता है। आप भी हर रात में नफ्स देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या बीमारी है। नहीं, पहले ऐसे हकीम गुजरे हैं और अब भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद कम हो रही है, जो लोगों के नफ्स पकड़ते ही समझ जाते थे कि क्या बीमारी है। ये वहाँ भी होती है या सीखा हुआ फन होता है? ये वहाँ भी होती है, ये रूहानी का फील है। ये आपको तजुर्बा हो जाता है, तजुर्बा ऐसे ऐसे जब हर मरीज का आप नब्ज देखते हैं तो तजुर्बा हो जाता है, हो जाता है कि ऐसे ऐसे बीमारी है। डॉक्टर हकीम साहब, कुव्वत मुदाफात बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन क्या ग़ज़ाएँ हैं घरेलू अंदर? देखिए एक बात बताता हूँ आपको, आप सब जानते हैं, जो भी नबाती ग़ज़ा है, जो भी वेजिटेबल है, जब तक क्या मुँह में चबाए नहीं आपकी आप बंद लगता नहीं, पास हो जाता है। आप जो कुछ खाते हैं चबा खाइए, और हमारी हिमाकत ये है, सबसे पहले हम लोग मोटा चावल खाने वाले हैं और पीस फेंक देते हैं, पूरा कैल्शियम उसमें चला गया, पूरा विटामिन उसमें चला गया, पूरे जो है मिनरल्स उसमें चले गए। हम लोग क्या करते हैं, फोक करते हैं उसमें से। तो आप जो कुछ खाते हैं चबा खाइए, उसको फ्रूट खाइए चबा खाइए, उसके बाद वक्त पर खाना खाइए। गैस समझ ले आप, गैस कोई हकीकत है ही नहीं, गैस कुछ भी नहीं गैस। आप वक्त पर खाना खाइए, सुबह नाश्ते के बाद गैस नाश्ते के बाद पानी पीजिए, नाश्ता अपने सात आठ दरमियान नाश्ता कीजिए, दोपहर एक दो दरमियान खाइए, रात को पैसे वक्त पर खाइए, बीच में मत खाइए। गैस है या नहीं, गैस खामखा गैस आपके गैस जो है आपके दिमाग में भरी हुई गैस। गैस का ये कहना है कि वक्त पर खाइए चबा कर खाइए, बस मैं ये समझ। और इसके अलावा क्या घरेलू ग़ज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए कुव्वत मुदाफात बढ़ाने के लिए, खास तौर पर इम्यूनिटी पावर? आपकी तो आत्मा बहुत कमज़ोर है तो आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए नुस्खा बताता हूँ, कुछ कीजिए। आप जो है एक 100 ग्राम बादाम लीजिए, 100 ग्राम काजू के मग लीजिए, और 200 ग्राम लीजिए चने की दाल, खाने की चने दाल। इसको अलग अलग बोट कीजिए, सब मिलाइए बार बार जूस कीजिए, और एक चमचा खाइए उसमें आस्ते के साथ 3 टॉनिक है, बादाम काजू और अगर हो सके तो अखरोट, ये 3 हम एक एक 100 चावल के अंदर। मोटा चावल या बारीक चावल फ़ायदेमंद है? उबाला हुआ चावल बेकार है, उबाला हुआ चावल उबाला हुआ चावल देखिए आप एक बार हम लोग जो है अपना उबाला हुआ चावल खाना चाहिए। और फ्रूट के अंदर कौन से फल बेहतर है? जो कुछ खाए सब भी अल्लाह का फसल, सब कुछ ठीक है। सब जो कुछ खाइए ऐसा खाइए कि आपके मुंह में पिघल जाए, वरना पास हो जाता है हद में। तो आप दो चार अंगूर निकल देखिए, पास हो जाएगा, 2-4 बादाम निकल देखिए, पूरा पास हो जाएगा। खाने के दरमियान में लोग अक्सर पानी पीते हैं, नहीं पीना चाहिए। खाने से पहले पानी पिएंगे आप आधे घंटे पहले, तो खाना खाने के बाद पानी पीने ख्वाहिश नहीं रहेगी। आप ट्राई कीजिए, आप खाना खाने गर्मी पानी पड़ा बिल्कुल गलत है, नहीं पीना चाहिए पानी। खाना खाने से 15-20 मिनट पहले आप 1-2 ग्लास पानी पीजिए, आप खाने गर्म पानी पीने की जरूरत नहीं रहेगी। आप उसी कोशिश कीजिए खाना खाने दौरान बिल्कुल पानी पीना चाहिए। हम लोग खाना खाते जो है हमारे मैदे से गैस्ट्रिक जूस रहता है, जो हमारे गिजा को पिघला रहता है, और ये पानी पीने तो पतला होता है, पर गैस ही गैस। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि आप 60 साल से आपका एक तजुर्बा रहा है, तो अक्सर इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इसका बुनियादी रीज़न आपके नज़दीक क्या रहा है? जितने मरीज़ आपको आते हैं, आप तशखीस क्या रही आपकी सिलसिले? जहाँ तक मैं समझता हूँ वजह इसकी रीज़न, यानी कम से कम 75-75% बीमारी डॉक्टरी दवाओं से पैदा होती है, वहाँ कोई डॉक्टरी दवा बगैर साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान के नहीं है। और हर लिखा हुआ है, हर गोलियों के सिर्फ लिखा हुआ है शेड्यूल ड्रग नॉट टू बी यूज विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेडिकल पर्सनल। तो मतलब हर एलिमेंट दवा नुकसानदायक है, सिवाय टॉनिक के। टॉनिक जो मिनरल्स होते हैं वो नुकसान नहीं होते, और पूरी दवाएँ जो जितनी दवाएँ थी सब के सब जो है अपना नुकसान देती हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये थे जनाब हकीम अब्दुल्ला साहब, बड़े माहिर और तजुर्बेकार हकीम, जो अपने नज़रियात और अपने ख्यालात का आपके सामने इजहार कर रहे थे। हम उनके बहुत मशहूर हैं फ़िक्र ख़बर की तरफ से। तो नाज़रीन, आप लोगों ने सुना, बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस या ऐसी बीमारी नहीं जिससे आदमी बहुत खौफ का है, बहुत डरे, डरने की ज़रूरत नहीं है। बुखार और सर्दी वगैरह मौसमी चीज़ें हैं, होती रहती है। अगर सांस में बहुत तकलीफ़ हो जाए तो इलाज बहरहाल ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी मगर ये कि उसके साथ उसका इलाज भी किया। इसके अलावा अपने अज़कार का अहतमाम करना चाहिए, इंशाअल्लाह हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से हमको कामयाबी मिलेगी। इसी पर हम एक सबसे अच्छी दुआ, इसका उम्मीद रखिए फजर नमाज से नमाज के बाद या फिर नमाज पढ़े सुबह मेहंदी सुबहदीम और मेहंदी अस्ताफुल्ला, इसका उम्मीद हमेशा रखिए, पाबंद पाबंद रखिए, आपको कोई मई नहीं आएगी। सुबहदीम अस्ताफुल्ला। तो नाज़रीन, इसी पर हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी किसी अहम और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।